सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक, और अब हमारे साथ बैठी है एनसीआर स्पोर्ट्स क्लब कमेटी, जो यहां नजफगढ़ में आने वाली 7 मार्च को एक बहुत बड़ा खेल मेला करवाने जा रहे हैं। वो सारे भाई हमारे साथ बैठे हैं जो कमेटी के मैन मैन मेंबर्स हैं, तो सारे बात करेंगे भाई कैसे इनके मन में आया यो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, और क्या क्या इनाम है, क्या इनके रूल रेगुलेशन है। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम भाई। राम राम भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, एक बार अपना परिचय प्लीज। हाँ भाई साहब, सुरेश पहलवान फरमाना गांव है मेरा, मैं फरमाना। तो यहाँ सारे भाइयों के आपस में बैठे थे कि भाई आजकल स्पोर्ट्स थोड़ा हा स्पोर्ट्स का क्रेज कम होता जा रहा है। हाँ, दूसरे बात में बड़का का युवा वर्ग का ज्यादा ध्यान हो रहा है, इस जगह ध्यान जाते जा रहे हैं। जैसे नजफगढ़ का एरिया थोड़ा हा भटकता जा रहा है, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए हमने जितने भी अंपायर भाई थे डिस्कस किया कि भाई थोड़ा अच्छा बड़ी कबड्डी करा देते हैं, क्योंकि हमारे लोकल आदमियों का ज्यादा इंटरेस्ट कबड्डी कबड्डी में होता है खासकर। भाई मैं जानकारी दूं, सुरेश पहलवान जी भी अपने मैम से फरमाना गांव से हैं और अपने टाइम के ठीक ठाक अच्छे पहलवान रहे हैं, और पहलवान जी की गेम में बहुत ज़्यादा रुचि है। सारे ये जितने बैठे हैं लगभग गेम से रिलेटिव रहे हैं, इनकी ज़िंदगी गेम के साथ जुड़ी हुई रही है, तो इनके मन में ये बहुत अच्छा विचार आया। तो पहलवान जी, 7 मार्च है यह डेट? हाँ जी, 7 मार्च। तो पहलवान जी, फर्स्ट इनाम की क्या सोची है? फर्स्ट इनाम जी कमेटी ने 1,21,000 रुपये फाइनल किया है फर्स्ट इनाम जो है। अच्छा, तो पहलवान जी कितनी टीमें बुलाने का मन है? जी जो भी बेस्ट टीमें होंगी वो सारी बुलाई जाएंगी, वो चाहे 15 हो, चाहे 18 हो, चाहे 20 हो, जो भी है। अच्छा, तो भाई साहब आप बताओ कितनी टीम है और बेस्ट को क्या है, सेकंड थर्ड सारे बताओ। अनिल डागर, गांव सड़क पर, एनसीआर स्पोर्ट्स क्लब। इसमें हमने 3 इनाम रखे हैं। फर्स्ट इनाम है 1,21,000, सेकंड है 81,000, और थर्ड इनाम है 51,000। और इसमें एक मैच कराया जाएगा जो अपनी बहन बेटी हैं जो अच्छा खेल गेम खेलती हैं कबड्डी की, लड़कियों का हरियाणा पंजाब, जिसका 31,000 पहला इनाम है और 21,000 दूसरा इनाम। तो भाई साहब जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये जैसे पहलवान जी सुरेश पहलवान ने बताया, ऐसे ही बैठ के ही मन बना गए एकदम से तैयारी करी है? हाँ, ये सुरेश पहलवान जी हैं, भाई साहब पाले शर्मा जी हैं, श्री है, मनीष है, ये एक दिन बैठे थे। हमारा सारा का अब ऐसा सिस्टम हो रहा है, लेवल ठीक है कि हम 2 पैसे भी भाई लगा सकते हैं, टाइम भी लगा सकते हैं, तो ये इसलिए एक बैठे थे तो यही देखा है नजफगढ़ का जो माहौल ख़राब होता जा रहा है, तो एक खेल को प्रोत्साहन दे, युवा वर्ग है, फोनों में लग रहा है, दूसरों कामों में टाइम वेस्ट कर रहा है, तो एक ऐसी चीज़ शुरू करेंगे, एनसीआर स्पोर्ट्स क्लब बनाया, कि इससे जितने भी युवा हैं या जो गरीब बच्चा है चाहे कुछ भी है, तो हमारी तरफ से जितना भी होगा सहयोग करोगे कबड्डी को या और भी जो गेम है उनको प्रोत्साहन करें। अब भाई हरियाणा के एक बहुत ही बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के सुरखपुर गाँव से, भाई श्री पहलवान जी, सिटू कह हुए हैं पहलवान जी ने, सिटू पहलवान जी, तो पहलवान जी से भी बात करो। राम राम पहलवान जी। राम राम मलिक साहब। पहले तो सभी अभिमन्यु मूवी चैनल के दर्शकों को राम राम, हमारी कमेटी की तरफ से भी राम राम। हमारे सतपाल भाई साहब बैठे हैं, सुरेश पहलवान जी बैठे हैं, अनिल डागर हैं, मनीष मान भाई हैं अपने, इन सभी ने एक इनिशिएट किया है कि भाई जो हरियाणा स्टाइल कबड्डी है, सर्कल कबड्डी है, इसका अपनी दिल्ली की तरफ थोड़ा कम रुझान है, और ये खेल ऐसा है कि जो बाहरी दिल्ली है इसमें अपने मोस्टली हरियाणा के ही लोग रहते हैं, और इनका तो ये मान लो एक अपना जो गांव गवांड का खेल मिल जाएगा इनको, और सब इस खेल से प्यार करते हैं। हम भी इससे कभी बाहर नहीं निकले, भले ही हम हरियाणा से बाहर आ गए, बट ये खेल हमारी रगों में आज भी है। कोशिश करेंगे कि इसको एक बहुत ही अच्छे लेवल पर लेके जाएं, और इसको हर तरह की इसके प्लेयरों का मान सम्मान हो, इस कबड्डी का मान सम्मान हो, इसके लिए हम पूरे दिल्ली प्रदेश के जितने बड़े से बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं और बिजनेसमैन हैं, सबसे इसका इंट्रोड्यूस कराएंगे इस गेम को। अपने ग्राउंड में जो टीमें आएंगी
शुरुआत का साल है, इसमें हम सोचेंगे कि जो बेस्ट टीम है हरियाणा पंजाब की वो सारी टीमें हमारे यहाँ पे आएंगी और एक से एक बेहतरीन प्लेयर आएगा। जो प्लेयर मेरे हिसाब से इस गेम को चूक गया या इस ग्राउंड को चूक जाएगा वो अपनी लाइफ में ये मानो कि कुछ मिस करेगा। तो उम्मीद मेरी यही है, सभी पहलवानों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ज़रूर आना है। ये आपका दिल्ली में एक पदार्पण होगा, इस खेल का भी अहमियत बढ़ेगी, लोगों को पता लगेगा कि भाई हरियाणा स्टाइल सर्कल कबड्डी है क्या। और ये एक ऐसा खेल है कि जो इससे एक बार प्यार करने लग गया वो इससे पीछा नहीं छुटा पाता है, बहुत ही बेहतरीन खेल है। और भाई एक और मैं जानकारी आप लोगों को दे दूँ, सिट्टू पहलवान जी गांव सुरुखपुर से हैं, गांव में तो सरपंच का इलेक्शन लड़े हैं, जितने भाई भी सुरुखपुर वाला भी है खास वह पहलवान जी को वोट दियो, आगे गांव में भी एक तगड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाऊंगे। पहलवान जी बहुत अच्छे विचार है, पहलवान जी यार बहुत अच्छा इंसान है, गांव की तरक्की के लिए सिट्टू पहलवान सुरुखपुर, ध्यान रखियो भाई सुरुखपुर वाले। हाँ हमारा हरियाणा खातर भी भाई ने कबड्डी खेली है, मलिक मान साहब दौर एक बार इनके विचार और लो। हाँ ये अपने मनीष भाई बैठे हैं, मनीष मान ये भी अपने दो विचार रखेंगे। मनीष आप सभी को राम राम जी, मैं मनीष मान। हम बैठे थे एक दिन तो बात चलती रहती है दिल्ली देहात को ले गए या हरियाणा को ले गए, तो हम डिसाइड करते हैं कि भाई जो हमारा दिल्ली देहात का या हरियाणा का बच्चा है उसके अंदर इतना ज़्यादा कैलिबर है, इतना पोटेंशियल है, आप उसको जिस फील्ड में उतारोगे ना वो उस फील्ड में कामयाबी होता है, चाहे वो सुशील पहलवान जी हों, वीरेंद्र सहवाग जी हों या हमारे और खिलाड़ी हों हर फील्ड में। और अब हो क्या रहा है कि वो बच्चे किसी ना कहीं गलत दिशा भी पकड़ रहे हैं कुछ लोगों को देख के। तो हमारे गेम का या हमारे आयोजन का मेन मोटिव यही था कि हमारे दिल्ली देहात के या हमारे सभी लोकल बच्चों को एक अच्छी दिशा मिले, ताकि वो अच्छी दिशा मिले तो अच्छे काम करें, देश का, समाज का, आराम सब का नाम रोशन करें। और इसी के साथ हमने ये आयोजन का प्रयास किया है और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, गेम का आनंद लें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें, परिवार वालों को मोटिवेट करें। और इसी मान साहब भी भाई आने वाले समय के बहुत ऊँचे लेवल के नेता बनेंगे, बहुत अच्छे बोल रहे हैं भाई साहब और बहुत अच्छे विचार हैं, धन्यवाद। और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मतलब भाई सहारा दे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये।